Hey guys, welcome back to a new video. तो guys, finally आज की जो ये video है ये आ चुकी है बहुत ही बेहतरीन वाले graphics mode के साथ में, जो कि आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देने वाला है कि आपको लगने नहीं वाला है कि ये गेम आप अपने फ़ोन के अंदर खेल रहे हो, ये गेम आप अपने पीसी में खेल रहे हो, ये आपको लगने वाला है, आपको फीलिंग आने वाली है, आपको एक्सपीरियंस ये मोड पैक प्रोवाइड करने वाला है. दिस इज द बेस्ट मोड पैक एवर एंड ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट माई फेवरेट मोड. गाइज, इस मोड के अंदर आपको जो स्काई बॉक्स मिलने वाला है वो इतना ज़्यादा ओपी है, इतना ज़्यादा यूनिक है और इतना ज़्यादा कूल लग रहा है कि इसको देखने के बाद में गेम जो है गेम नहीं लग रहा और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक फीलिंग यहाँ पे आ रही है. सो गाइज, सबसे पहले वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर दो, क्योंकि आगे ही ऐसी ऐसी वीडियोस और आने वाली हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो GTA San Andreas के मोड्स के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर दो, भूलना मत. सब्सक्राइब अगर कर दोगे, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाने वाला. ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे नहीं करते, तो ये चीज़ करना मत भूलना, ऑल पे ज़रूर कर लेना बेल नोटिफिकेशन को. और एक बात, इस वीडियो को भी लाइक कर देना क्योंकि वीडियो को बनाने बहुत मेहनत लगी है और ये जो ग्राफिक्स मोड पैक है ये इतना ज़्यादा ओपी है और ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है. डायरेक्ट एक्स 3.0 से भी मेरे को बेस्ट लगा है ये वाला मोड पैक, क्योंकि इसके अंदर आपको जो कार्ड्स मिलने वाली, जो रिफ्लेक्शंस मिलने वाले, जो स्काई बॉक्स मिलने वाला, जो मैन है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देखने वाला है, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक फीलिंग्स यहाँ पे आपको आने वाली है. एंड आई होप कि आज की जो ये वीडियो रहेगी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी. गाइस, ये वीडियो को आप देखते रहो, पूरा देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, बहुत इंजॉय आप करने वाले हो. ये मोड पैक का जो साइज़ रहने वाला थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है. एंड जो लोग सोच रहे कि ये मोड पैक मेरे फोन में रन नहीं करेगा, मेरा फोन थोड़ा लो एंड रैम का है, तो डोंट वरी गाइस, आपके लो एंड डिवाइस के अंदर भी ये जो मोड पैक रन करने वाला है. किस तरीके से रन करेगा ये वीडियो पूरी देखना, इस वीडियो के अंदर ही सभी चीजें बताने वाला हूं, तो वीडियो स्किप मत करना वरना काफी चीजें मिस कर दोगे. इस वीडियो के अंदर आपको इंस्टॉलेशन में दिखाने वाला हूं किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो इस मोड को एंड कैसे आप इस तरीके के ग्राफिक्स को जो अप्लाई कर सकते हो. तो गाइस, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको लेके चलता हूँ इंस्टॉलेशन की और उसके बाद में हम बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में. तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ जो सबसे बेसिक होगा और आपको उसे फॉलो करना होगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना. सो लेट्स गो टू दी इंस्टॉलेशन. गाइस, आपको फाइल डाउनलोड करनी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ये फाइल डाउनलोड करने के बाद में आपको पासवर्ड एंटर करना होगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए. एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड डालना होगा बाय एंड सेफ्रॉन स्मॉल के अंदर, गाइस सी ये आपको पासवर्ड डालना होगा. ओके करो डालने के बाद में, इसके बाद में आपको टाइम लेगा क्योंकि फाइल थोड़ी बड़ी है तो ऑब्वियसली टाइम आपका लेगा. फोल्डर ओपन करने के बाद में आपको अंदर एक और फोल्डर मिल जाएगा कॉम्प्यूटर रॉकस्टार गेम डॉट जीटीएस से, इसको यहां से आपको करना है कट, ठीक है. कट करने के बाद में आपको डिवाइस मेमोरी में जाना है, उसके बाद में एंड्रॉइड में जाना है, डेटा में जाना है. डेटा में जाने के बाद पेस्ट कर देना गाइस, सी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है. एंड उसके बाद में ओपन करना है, फाइल्स में जाना है, TEXDB में जाना है, उसके बाद में आपको GTA 3 के फोल्डर में जाना है. देन यहाँ पे आपको रीनेम आपको दिख रहा है, रीनेम की जगह आपको अपने GPU का नेम लिख देना है. अगर आपको अपने GPU का नेम नहीं पता तो आप जो है CPU Z की वजह से जो है GPU का नेम अपना पता कर सकते हैं. सो मेरा यहाँ पे अगर पावर VR है तो मैं यहाँ पे PVR लिखूँगा, और अगर आपका माली होगा तो आप ETC लिख देना, और अगर आपका एड्रेन होगा तो आप जो है DXT लिख देना, ठीक है. यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना नेम यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ. नेम चेंज करने में कोई भी गलती मत करना वरना जो इश्यू है वो आपका आएगा एंड गेम जो है क्रैश हो जाएगा. सी GTA 3.PVR रीनेम की जगह. फिर आपको GTA INT का फोल्डर ओपन करके आपको वहाँ पे भी रीनेम करना है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो GTA INT के फोल्डर के अंदर भी मैं यहाँ पे रीनेम कर रहा हूँ, तो आपको भी इस तरीके से रीनेम करना है. उसके बाद में आपको क्या करना है, TXD फोल्डर का भी रीनेम करना है गाइस. जी हाँ, TXD फोल्डर का भी रीनेम करना है. किस तरीके से करना है, सी रीनेम की जगह सिंपली यहाँ पे अपना GPU का नेम लिख दीजिए एंड दैट्स इट. मैंने यहाँ पे PVR लिख दिया है तो उसी तरीके से आपको भी जो है PVR लिख देना है, अगर आपका पावर PR होता है या फिर कोई और होता है तो आपको उसका नाम लिख देना है.
करना है, पॉइंट्स की कोई गलती नहीं करनी है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो पॉइंट्स है इधर उधर नहीं लगाने, जैसा है वैसे ही रहने देना, खाली आपको रीनेम का चेंज करना है, दैट्स इट, और आपको कुछ चेंज नहीं करना है। कुछ थोड़ा सा भी अगर आपने उल्टा सीधा लिख दिया ना तो आपका गेम क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट था एंड आपने ये पूरा देखा होगा। सो अगर आपने पूरा देखा है, अगर आपको समझ में आ गया और अगर आपका मोड पैक चल गया तो आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देना है। और एक बात, जिनका मोड पैक रन नहीं होता है, जिनकी क्रैश होता है, जिनके कोई प्रॉब्लम आती है मोड पैक रन होने में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे को कमेंट कर सकते हो, कमेंट में बोल सकते हो कि ये इशू आ रहा है। और अगर एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इशू है कि लाइक आपसे रीनेम नहीं हो रहा या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है स्क्रीनशॉट मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। वहाँ से मैं इंस्टाग्राम पे जो है आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकता हूँ। आप मुझे जो है वहाँ पे मैसेज सेंड कर सकते हो, आपका जो भी इशू रहेगा आपका स्क्रीनशॉट मैं देख करके एंड वहाँ से जो है मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। काफ़ी लोगों की मैंने हेल्प करी है इंस्टाग्राम पे, जिन लोगों को इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आई है या फिर कोई और इशू आया है, तो काफ़ी लोगों का मैंने सॉल्व किया है। बाकी तो ये वाला जो पूरा का पूरा मोड पैक है मेरे को बहुत ज़्यादा औसम लगा है एंड मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना ज़्यादा कोई एक्सट्रीम मोड पैक हो सकता है। इतना ज़्यादा ओपी मोड पैक लगा मुझे ये कि सोचा कि आप लोगों को अपलोड करना चाहिए। सो गाइस, मैं यही कहना चाहूँगा कि यार ऐसे मोड्स को अपलोड करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता ही है। तो यही एक ही उम्मीद के साथ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है। आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि देखो मैं देखता हूँ कि वीडियो पर जो है लगभग 500, 600, 1000 व्यूज़ आते हैं, लेकिन लाइक जो होते हैं हमेशा 20 या फिर 20 to 25 के बीच में ही रहते है। मतलब लाइक जो है कभी भी 50 के ऊपर तो जाते ही नहीं है, 50 तो छोड़ो, 40 के ऊपर भी नहीं जाते, 30 के ऊपर भी नहीं जाते। तो यार प्लीज लाइक जरूर करो। जो भी नए बंदे आते हैं, सर्च रिजल्ट से आते हैं या फिर कहीं और साइट से आते हैं मेरी वीडियो पे, किसी भी तरीके से वीडियो पे लाइक जरूर छोड़ दो, क्योंकि वो एक बहुत ही मोटिवेशन वाला काम होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। गाइस, यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी कार्ड देखने के लिए मिलने वाली है जो आपको नॉर्मल GTA San Andreas के अंदर नहीं देखने के लिए मिलती है। ऐसी स्पोर्ट्स कार्ड आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है, और इसी के अलावा यहाँ पे जो कार्ड्स है इनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो बिल्कुल मस्त, एकदम अच्छे हाई ग्राफिक के साथ में। जो टेक्सचर्स है गाइस वो भी चेंज किए गए हैं इस मोड पैक के अंदर, जो टेक्सचर्स है उन सभी को चेंज किया गया है, और टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के साथ में जो रोड है, रोड टेक्सचर्स है वो भी इंप्रूव किए गए हैं। ग्राफिक्स जो है बहुत ज़्यादा ओपी लग रहे हैं। अगर यहाँ पे आप ब्राइटनेस को थोड़ा सा लो करके खेलोगे ना, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, यानी कि जो GTA 6 का जो एक्सपीरियंस होता है वो मिलेगा। GTA 6 ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले एक तरीके से, क्योंकि GTA 6 के ग्राफिक्स GTA 5 के जो ग्राफिक्स है उनको यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा। और मोबाइल के अंदर है तो बहुत ज़्यादा, मोबाइल के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ओपी मानता हूँ मैं ऐसे ग्राफिक्स को। एंड गाइस, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे इससे भी अच्छे अच्छे या इससे भी और भी बड़े बड़े साइज़ के जो मोड पैक्स है वो अपलोड हो रखे हैं। आप जो है ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जो ऊपर आपको आई बटन पे दिख रही है। इस प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे जो है 80+ मोड हो चुके हैं गाइस, यहाँ 80+ मोड पैक हो चुके हैं। आप जो है आपको जो फेवरेट आपका अच्छा लगता है आपको मोड पैक, वो आप अब डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ वहाँ पे नज़र आएगी। सो गाइस, मैं करता हूँ वीडियो को एंड। आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया, आपने इंजॉय किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे किया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रिस्पॉन्स जरूर देना कैसा लगा ये मोड पैक। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।